लास्ट की क्लास में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट की क्लास तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नॉइज आ रही है बहुत, नॉइज कैसे आ रही है नीलेश? आपको नॉइज आ रही है? बाकी सबको आ रही है कि नहीं आ रही? नॉइज आ रही है? बाकी को, हिमांशु को नहीं आ रही, जयेश को नहीं आ रही नॉइज? बाकी को भी आ रही है नॉइज नीलेश के अलावा? नीलेश आप एक बार वापस से ज्वाइन करो, एक बार वापस से ज्वाइन करो और मुझे बताओ। तो लास्ट क्लास में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट की क्लास में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज वाले जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो लास्ट क्लास के बेसिस पे ही है। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड गेन मार्जिन, फेज मार्जिन एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। राइट, तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। राइट, आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको फाइंड करना है ओमेगा पी सी, दैट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एंड गेन मार्जिन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सिर्फ गेन मार्जिन भी पूछा होता तो भी आपको ओमेगा पी सी तो आपको फाइंड करना ही है। राइट, आपको दोनों चीजें फाइंड करनी है, ओमेगा पी सी एंड गेन मार्जिन। राइट, अब ओमेगा पी सी फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन ओमेगा पी सी की बात करते हैं, ओमेगा पी सी मीन्स एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री। राइट, मैं दिखा देता हूँ आपको, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू -180, और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर वैल्यू क्या आएगी ये यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मैं एंगल को अगर मैं -180 कर देता हूँ तो आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी दैट इज द फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एस इक्वल टू जे ओमेगा को पुट करना है और आपको एंगल फाइंड करना है। राइट, तो मैंने एस इक्वल टू जे ओमेगा इसमें पुट कर दिया है, तो टू इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई जे ओमेगा इंटू 1 + 0.5 जे ओमेगा इंटू 1 + 0.05 जे ओमेगा। यहाँ जहाँ भी एस है वहां पर मैंने जे ओमेगा को पुट कर दिया। राइट, अब इसके बाद में आपको एंगल निकालना है, एंगल फाइंड करना है, और एंगल फाइंड करने के लिए आपको बताया है जो न्यूमेटर वाला पार्ट है दैट इज टू, न्यूमेटर वाला पार्ट अगर कॉन्स्टेंट है तो आपके पास एंगल कितना आएगा दैट इज जीरो, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा दैट इज जीरो। राइट, और जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो आप डिनोमेटर वाला पार्ट है, उसमें जो भी जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएंगे, तो मैं इसको माइनस साइन लगा लेता हूँ। राइट, इस तरह से समझो, इसको माइनस साइन लगा देता हूँ, बाकी जो एंगल होंगे प्लस पे। अब ये जे ओमेगा का जो एंगल है वो टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई जीरो, तो टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई जीरो, और यहाँ पे ओमेगा डिवाइड बाई जीरो दैट इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स एंगल कितना आएगा मेरे पास 90 डिग्री। राइट, यहाँ पर जो जे ओमेगा जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। इसी तरीके से आप फाइंड करोगे 1 + 0.5 जे ओमेगा का, तो टेन इनवर्स डी डिवाइडेड बाई ए, तो बी यहाँ पर 0.5 ओमेगा है इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट आपका 1 है, तो 0.5 ओमेगा डिवाइड बाई 1, आपके पास एंगल आएगा टेन इनवर्स 0.5 ओमेगा डिवाइड बाई 1, प्लस इसका आप एंगल फाइंड करोगे तो टेन इनवर्स 0.05 ओमेगा डिवाइड बाई 1 डी डिवाइडेड बाई ए। राइट, तो 0.05 ओमेगा में मैं 1 डिवाइड करूंगा तो आपके पास सेम एंगल आएगा। राइट, दैट इज द एंगल ऑफ जी एच। राइट, अब ये डिनोमीटर वाला पार्ट है तो इसमें मैंने बाहर क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि जो भी आपके पास जो एंगल होगा वो नेगेटिव में होगा। राइट, मैंने बाहर साइन माइनस साइन लगाने के बाद में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। राइट, अब ओमेगा पी सी की कंडीशन क्या है, अब अगर आपका जो एंगल है वो -180 डिग्री होगा, राइट, तो मेरे पास ओमेगा पी सी मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, तो मैंने क्या कराया, जो भी मेरे पास ये एंगल आया है इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का,
इसको मैंने माइनस 180 से इक्वेट कर दिया, राइट। अब इक्वेट करने के बाद में जो मेरे पास माइनस 90 है इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड में, या मैं कहूँ कि इसको माइनस 180 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो माइनस 90 प्लस 180 टोटल कितना हो जाएगा 90, और ये जो दोनों माइनस के टर्म्स हैं माइनस 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स, इन दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो दोनों दो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज 10 इनवर्स 0.5 ओमेगा प्लस 10 इनवर्स 0.05 ओमेगा इक्वल टू 90, राइट। आप इसमें फॉर्मूला लगा दिए 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, और 10 इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 10 इनवर्स ए प्लस बी, 10 इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, यही होता है आपके पास जो 10 इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, ए यहाँ पर आप 0.5 ओमेगा ज़ूम कर सकते हो, 0.05 ओमेगा में बी ज़ूम कर दो, राइट। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 10 इनवर्स ए प्लस बी 0.5 ओमेगा प्लस 0.05 ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, ए 0.5 ओमेगा बी इक्वल टू 0.05 ओमेगा इक्वल टू 90 डिग्री। अब 10 इनवर्स को यहाँ पर राइट हैंड साइड में ले जाइए तो क्या बन जाएगा, 10 90 इज इन्फिनिटी, 1090 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पर इन्फिनिटी, ये जो पूरी वैल्यू है ये इन्फिनिटी कब हो सकती है, जब आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाए, तभी आपकी इक्वेशन क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। कि अगर ये जीरो हो जाएगा तो 0.05 ओमेगा डिवाइड बाई जीरो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इट मीन दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मैंने क्या करा है, दिस टर्म को मैंने जीरो कर दिया इस टर्म, तो 0.052 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.05 ओमेगा। तो ओमेगा पीसी निकालना है आपको, क्योंकि एक्चुअल में ओमेगा क्या है, ओमेगा पीसी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट ओमेगा पीसी। इसको आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, तब कैलकुलेट कर देना अप्रोक्स आएगा 6.32, और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बताइए। क्लियर है, तुमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, इस फॉर्मूला ओमेगा पीसी के लिए, राइट। ए फॉर्मूला अप्लाई हो गया, अब सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आपको गेन मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए। मैंने आपको बता रखा है गेन मार्जिन का फॉर्मूला, ऊपर देखो आप गेन मार्जिन का मैंने फॉर्मूला डीबी में क्या बता रखा है, 20 लॉग ऑफ 10 टू द बेस 1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ जीएस एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द गेन मार्जिन। आपको यही फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड होगा, फाइंड आउट हो चुका है तो आप यहाँ पर गेन मार्जिन इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर टर्म्स का अपोलो ट्रांसफर फंक्शन का आपको गेन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 होगा, जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा हो, 1 प्लस 0.5 आयोटा ओमेगा, तो ए प्लस आयोटा बी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 0.05 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। इसी तरीके से 1 प्लस 0.05 आयोटा ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0.05 ओमेगा होल स्क्वायर, तो आपको यही करना है। देखो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 2 का मैग्नीट्यूड 2 हो गया, जो ओमेगा का ओमेगा हो गया, और ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक, मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको पता है कि जो मेरे मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है वो किस पे निकालना है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी, तो जो ओमेगा की वैल्यू है उसकी जगह आप क्या रख दोगे, ओमेगा पीसी, एंड ओमेगा पीसी इज आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द 6.32 रेडियन पर सेकेंड, तो जहाँ भी आपके पास ओमेगा है वहाँ पर आप 6.32 पुट कर दो। तो मैंने यहाँ पर 6.32, यहाँ पर 6.32 और यहाँ पर 6.32 पुट कर दिया, मैंने पुट कर दिया। अब ये पुट करने के बाद में आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी 0.095। आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से इजीली, स्क्वायर रूट है तो पहले इसको कैलकुलेट कर लो, फिर स्क्वायर रूट कर दो, फिर इसको कैलकुलेट कर लो, स्क्वायर रूट, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया पूरी टर्म को, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स आएगी 0.095। बट दिस इज नॉट द गेन मार्जिन, ये गेन मार्जिन नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है।
गेन मार्जिन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 20 लॉग ऑफ 10 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने पुट कर दी और इसका 1 डिवाइड बाय 0.0951 इसका मैंने लॉग मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आप कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये लास्ट टाइम आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, अप्रोक्स वैल्यू यही आएगी राइट। तो लॉग ऑफ मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दी, तो गेन मार्जिन कितना आ गया 20.43 dB, दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन में आपको ओमेगा पीसी पूछा था, दिस इज दैट इज 6.32 और गेन मार्जिन पूछा था दैट इज 20.43 dB। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए या इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए अगर मैं गेन मार्जिन 20.43 dB कम करूँ या फिर ज़्यादा कर दूँ तो सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा, स्टेबल है तो स्टेबल का स्टेबल ही रहेगा राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं, अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, उसमें आपको फेज मार्जिन फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको गेन मार्जिन फाइंड आउट करना था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको फेज मार्जिन फाइंड आउट करना है। तो अपना अपने पास सेकेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा राइट। इम्पोर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट लगा लिया करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लगा लो। फोर जी ऑफ एस इक्वल इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 10। आपके पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका फेज मार्जिन फाइंड आउट करना। तो फेज मार्जिन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ओमेगा जी सी फाइंड आउट करोगे, ओमेगा जी सी। और आपके पास ओमेगा जी सी आ चुका है तो आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, फेज मार्जिन राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द ओमेगा जी सी। और ओमेगा जी सी की डेफिनेशन क्या थी, इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैं अगर गेन जो है या मैं इसको मैग्नीट्यूड जो है उसको मैं अगर 1 के इक्वेट कर दूँ, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर मेरे पास उसको मैं क्या बोलूँगा, दैट इज ओमेगा जी सी, क्या बोलूँगा ओमेगा जी सी राइट। तो इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मुझे मैग्नीट्यूड 1 करना है। मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए यहाँ पर आप एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट कर दूँ, मैंने पुट कर दिया। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर 10 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज 10। तो देखो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, मोड ऑफ जेस ओमेगा जी सी इक्वल टू 1। तो 10 का मैग्नीट्यूड 10 होगा, जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा होगा, और जी ओमेगा प्लस 10 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 आ गया। इसको मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो 10 का स्क्वायर 100, ओमेगा का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 100, ये स्क्वायर रूट है, ये हट जाएगा स्क्वायर करते, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो मैंने क्या करा है, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, मैंने स्क्वायरिंग कर दी है बोथ ऑफ साइड। अब इसके बाद में आपको कॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप 100 को आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया राइट। ये ओमेगा की पावर 4 में इक्वेशन है, इसको आप इजीली सोल्व नहीं कर सकते हो। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ कि ओमेगा स्क्वायर को आप एक्स अज्यूम कर लो राइट, मैंने ओमेगा स्क्वायर को एक्स अज्यूम कर लिया है इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो ओमेगा स्क्वायर का एक्स है, दैट मीन्स ये ओमेगा की पावर क्या 4 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, एक्स रख सकता हूँ। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2ac ठीक है। 1 यहाँ पर, ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर 100 एंड सी यहाँ पर माइनस 100, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। तो आपके सामने दो वैल्यू जाएंगी, 0.99 एंड माइनस 100। तो आपके पास जो एक वैल्यू वैलिड होगी दैट इज 0.99, एक वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कोई बता सकता है कि माइनस 100 क्यों कैंसिल हुई है, दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर 0.99 और एक आ रही है माइनस 100, तो एक वैल्यू आपके पास माइनस 100 है वो कैंसिल आउट हो चुकी है। कोई बता सकता है क्यों कैंसिल हुई है, एनीवन, मेरी साउंड तो आ रही है आप लोगों,
आवाज तो आ रही है सबको? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि -100 कैंसिल क्यों हुई है? मेरी साउंड तो आ रही है या नहीं आ रही है? नेगेटिव वैल्यू है इसलिए। तो नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? नेगेटिव वैल्यू तो हो सकती है ना। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव। एक्चुअली क्या है, मुझे आपके चैट आपने लिखा था, मैंने एक्चुअली मेरे चैट बॉक्स में आया नहीं, बाद में आया। ठीक है, एक सेकेंड को मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। चैट बॉक्स में क्या है कि आपके चैट बॉक्स लेट आ रहा है मेरे पास। एक बार आप चैट बॉक्स में लिखिए कुछ, मेरे पास लेट कैसे आ रहा। ओके ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो 0.99 पॉसिबल है, तो इसको अप्रोक्स मैं 1 मान लेता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा कितना बन जाएगा मेरे पास? 1 बन जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास तो जो ओमेगा जीसी है वो कितना आ गया? 1 आ गया। इसके बाद में आपको फेज मार्जिन फाइंड आउट करना है, तो फेज मार्जिन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 180 प्लस एंगल ऑफ जी एच एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ राइट। अभी इस फॉर्मूले के लिए मैंने एंगल ऑफ जी एच फाइंड आउट करना है, तो एंगल ऑफ जी एच आप जैसे ही फाइंड आउट करोगे तो इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल कितना आएगा यहाँ पर? टेन का जो एंगल आएगा दैट इज 0 माइनस, और यहाँ पर जो डी ओमेगा का एंगल आएगा दैट इज 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 0। ओमेगा डिवाइड बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी, तो एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री राइट। प्लस यहाँ पर जो एंगल आएगा डी ओमेगा का, डी ओमेगा प्लस 10, तो यहाँ पर 10 इनवर्स बी डिवाइड बाई ए, बी इज यहाँ पर ओमेगा है और ए यहाँ पर 10 है राइट। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास 0 माइनस 90 प्लस 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 10। इसको आप माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों एंगल आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे राइट। तो मैंने यहाँ पर एंगल जो मेरे पास फाइंड आउट हुआ था, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी राइट। एंड ओमेगा नथिंग बट द एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी। अब यहाँ पर आप इसमें आप 180 माइनस 90 करोगे तो यहाँ पर 90 आ गया, और इसमें आप माइनस को अगर प्लस प्लस ले जाओ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और ओमेगा जी सी की वैल्यू 1 है, आप पुट कर दो 1, और 10 इनवर्स 1 डिवाइड बाई 10 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग एंगल आएगा राइट। आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 90 माइनस ये जो भी एंगल आएगा उसको मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास जो एंगल आ रहा है दैट इज फेज मार्जिन कितना आ रहा है? 84.28। तो ये हमारे पास, ये मेरे पास दैट इज क्या होगा? फेज मार्जिन। तो इस तरीके से आप फेज मार्जिन फाइंड आउट कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस आपको दो फॉर्मूले पता हो, तो फेज मार्जिन का और एक आपको ओमेगा जी सी फाइंड आउट करने के लिए। ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, वह थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पर एस और एस इसके दोनों टर्म्स की वैल्यू यूज में ली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब आपके पास इसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 1/s(s²+s+1)। अब यहाँ पर आपको गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपके पास सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास गेन मार्जिन के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, ओमेगा पीसी या ओमेगा जीसी, क्या फाइंड आउट करोगे? गेन मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, ओमेगा पीसी या ओमेगा जीसी? ओमेगा पीसी। और ओमेगा पीसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल को -180 पुट करना पड़ेगा, ये करना आपको। तो एस इक्वल टू जो ओमेगा मैंने पुट कर दिया है, तो जो ओमेगा इंटू जो ओमेगा होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस जो ओमेगा +1, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो ओमेगा से, तो माइनस जे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। आयोटा इंटू आयोटा कितना बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, तो -1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गए, और प्लस जो ओमेगा इंटू 1 प्लस जो ओमेगा आ गए। तो आपके सामने जो इक्वेशन आ रही है, माइनस जे ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जो ओमेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन जो आपके पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है, इसका मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक तो आयोटा की टर्म्स अलग चाहिए और मेरे पास रियल टर्म्स अलग चाहिए। तो मैंने क्या करूँगा, इसको इक्वल टू 1/1। अब इसके अंदर जो जो रियल जो वाली जो टर्म्स है वो क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने अलग कर दी, ठीक है। और आयोटा वाली जो टर्म्स है वो आप इसको अलग कर लो। तो आयोटा वाली जो टर्म्स क्या है, प्लस जे इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा क्यू, तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा क्यू, राइट। तो इस तरीके से आपको अलग करना है, मैंने यहाँ पर अलग से लिखी नहीं है टर्म, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पर इजीली आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो 1 का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0। 1 का जो एंगल होगा दैट इज 0 डिग्री, राइट, माइनस ऑफ, क्योंकि जो भी आप एंगल निकालोगे वो माइनस में निकालोगे। अब यहाँ पर जो मेरे पास जो एंगल आएगा, इसमें आप जो ओमेगा की वैल्यू, आप ओमेगा की वैल्यू आप क्या करो, ओमेगा यहाँ पर और फाइंड आउट करो। जैसे मैं यहाँ पर ओमेगा यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 1/ ओमेगा को आप और बाहर ले लो, राइट। तो 1/ यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, तो आयोटा वाली टर्म्स में एक ओमेगा फाइंड आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर से आप एक ओमेगा कैंसिल आउट, सॉरी कॉमन ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप कॉमन लोगे जे ऑफ ओमेगा, जे ऑफ ओमेगा यहाँ पर कैंसिल आउट बाहर लोगे, तो आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी, आपके पास टर्म्स क्या क्या आ जाएंगी, जे ओमेगा कैंसिल आउट करोगे तो आप जे ओमेगा बाहर लोगे तो आपके पास आ जाएगा एक तो माइनस जे ओमेगा माइनस जो ओमेगा, तो माइनस जो ओमेगा इंटू जो ओमेगा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, -1 -1 +1, तो माइनस जो ओमेगा आ गया, प्लस उसके बाद में एक टर्म आपके पास आएगी, क्योंकि आपके पास जो ओमेगा कैंसिल आउट कर रहे हो, तो ओमेगा -1 -ओमेगा, यही आएगा टर्म। एक बार इसको देख लो अच्छे से, ये टर्म्स आएंगी। मैंने क्या करा है कि एक जो ओमेगा को बाहर ले लिया, तो जो ओमेगा को जैसे मैं बाहर लूंगा तो ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, जो माइनस जो ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1 -1 +1, राइट। तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये माइनस वाला कैंसिल आउट होता है, जे ओमेगा प्लस। अब यहाँ से आप एक टर्म यहाँ पर जे ओमेगा कैंसिल आउट करोगे, तो जे बाहर आ गया, ओमेगा भी बाहर आ गया, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 1 और माइनस ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब में एक ओमेगा बाहर आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, राइट। तो आपके पास 1/ जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा +1 -ओमेगा2। अब इसका मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो जे ओमेगा का जो एंगल होगा, जे ओमेगा का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स ओमेगा/0 इट इज इंफिनिटी, 90 डिग्री, 90 आ गया, प्लस 10 इनवर्स। अब 10 इनवर्स के बाद में b/a, तो b यहाँ पर क्या है, 1 -ओमेगा2, तो b यहाँ पर हो गया 1 -ओमेगा2, राइट, ओमेगा स्क्वायर कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय ए, ए यहाँ पर क्या है, ओमेगा है, राइट।
वन माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो मैंने यहाँ पर ए फाइंड आउट किया, राइट, यही है, सही लिखा है मैंने, सही लिखा है क्या हिमांशु, सही लिखा है क्या? उल्टा लिखा है, बाकी सब लोग सो रहे हो क्या? आपके पास बी क्या होगा यहाँ पर, ओमेगा होगा या वन माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा? ओमेगा होगा, तो यहाँ पर ओमेगा डिवाइड बाई वन माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, राइट, ओमेगा डिवाइड बाई वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी यहाँ पर है वो ढंग से पहले एक बार देख लें अब, ठीक है? तो यहाँ पर जो माइनस साइन आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने माइनस 90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एंगल आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस एंगल को माइनस 180 पुट करना है, मैंने माइनस 180 पुट कर दिया। अब यहाँ पर माइनस 90 आप यहाँ लेके जाओगे, या माइनस 180 आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो माइनस 90 प्लस 180 टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 90, और माइनस 10 इनवर्स को आप अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। तो 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई वन माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री। 10 इनवर्स को आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो 10 इन्फिनिटी 90 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी ओमेगा डिवाइड बाई वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको इन्फिनिटी टर्म्स कब आएगी, तब यहाँ डिनोमेटर पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, तो डिनोमेटर पार्ट को आप जीरो कर दो। यहाँ पर जो ओमेगा पी सी यहाँ पर कितना आ चुका आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन और माइनस वन आ चुके हैं, ओमेगा इक्वल टू वन और माइनस वन, तो वन यहाँ पर पॉसिबल होगा और माइनस वन पॉसिबल नहीं होगा। आपके जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, देट इज वन, ठीक है, देट इज वन, राइट। तो ओमेगा पी सी आपके पास वन आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। फिर अपन फेज गेन मार्जिन फाइंड आउट करते हैं। गेन मार्जिन के लिए फॉर्मूला क्या है, 20 लॉग ऑफ 10 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सॉरी 1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड जी एच एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी, ये फॉर्मूला है। इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालने के सबसे पहले आप क्या करोगे, वन का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, वन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ए प्लस आयोटा बी, तो ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आयोटा की टर्म्स है ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, आयोटा की टर्म्स क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, इसका आप स्क्वायर करोगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर रूट, राइट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। आपने लिख दिया है 1 डिवाइड बाई ओमेगा टू पावर 4 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, राइट। अब यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है दैट इज 1, तो ओमेगा की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, इतनी वाली जो टर्म्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसके आप स्क्वायर करोगे तो भी 0 आएगा। ओमेगा क्या पावर 4 मीन्स ये भी 1, तो 1 प्लस 0 1 और 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1, तो आपके जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। तो आप इसमें आप पुट कर दो 20 लॉग ऑफ 10 1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड और 20 लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 0 होती है, डेट मीन्स आपके पास जो गेन मार्जिन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 डीबी आ रहा है, गेन मार्जिन कितना आ रहा है, 0 डीबी आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप गेन मार्जिन फाइंड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अनटिल अनलेस आपको फॉर्मूला पता हो। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक दो के चैट बॉक्स में आते हैं, और तो बाकी पता नहीं क्या सो रहे हैं क्या, रिपीट करना है, कौन सा वाला क्वेश्चन रिपीट करना है, ये वाला करना है गेन मार्जिन, या फिर ये पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है, नीलेश पूरा रिपीट करना है, थर्ड वाला, ओके। देखो आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, आपको गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है, राइट। तो गेन मार्जिन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है,
फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी व्हेन द फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू -180 मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर आपका जो मैग्नीट्यूड सॉरी जो फेज एंगल होगा वो -180 डिग्री होगा राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करोगे फेज एंगल फाइंड आउट करोगे उसको -180 के इक्वेट कर दोगे राइट। तो फर्स्ट अपन ने क्या किया है एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट किया है मैंने पुट कर दिया है राइट। एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करने के बाद में जब मैंने एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करने के बाद में आपको क्या करना है इसका फेज एंगल फाइंड आउट करा है। फेज एंगल मैंने फाइंड आउट करने के बाद में जो एंगल मेरे पास है उसको मैंने किसके इक्वेट कर दिया -180 के इक्वेट कर दिया। -180 के इक्वेट करने के बाद में आपके पास ओमेगा पीसी आ जाएगा दैट इज वन। ये जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन जो वो तो आप इजीली आप कर सकते हो कैलकुलेशन में डाउट है तो बताओ मेरे को कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो आपके पास ओमेगा पीसी इक्वल टू वन आ गया दैट इज द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी राइट। अब फेज और क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वन आ गया अब आपको बताया कि हाउ टू फाइंड आउट द गेन मार्जिन दैट इज फॉर्मूला फॉर द गेन मार्जिन इज 20 लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड राइट। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो ए प्लस आयोटा बी का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है और मैग्नीट्यूड को यहाँ पे पुट कर दिया है मैग्नीट्यूड को यहाँ पर जो ओमेगा पीसी पर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इसको यहाँ पुट कर दिया है यहाँ पे मेरे पास गेन मार्जिन आ गया राइट। अब इस पूरे के पूरे डेरिवेशन पूरे पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एक तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो कैलकुलेशन आपको अच्छी होनी चाहिए फॉर्मूला पता है कैलकुलेशन अगर नहीं आती तो फिर नहीं होगा तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया नीलेश कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर लफड़ा है ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन ही है इसको आप लोग करिए फाइंड द गेन मार्जिन। तीन क्वेश्चन बता चुका हूँ गेन मार्जिन के दो क्वेश्चन बता चुका हूँ। फाइंड द गेन मार्जिन फॉर द सिस्टम विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसका आपको गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए जो मेरे पास एंगल है तो आप क्या पुट कर दोगे -180 तो आपके पास फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आप लोग ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कर सकते हो ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए जो मैग्नीट्यूड जो फेज एंगल है उसको आप -180 के क्रिएट कर दो राइट।
ओमेगा पी सी इक्वल टू जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही है। ओमेगा पी सी इक्वल टू जीरो कैसे आया? आपने जे एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट कर दिया, ठीक है, जी ओमेगा प्लस वन डिवाइड बाई जी ओमेगा होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा, दैट इज एंगल जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आएगा, यहाँ पर जो जी ओमेगा का जो एंगल है, जी ओमेगा प्लस वन का, यहाँ पर जो एंगल आएगा दैट इज टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई वन माइनस टू इंटू टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई जीरो। तो टू माइनस टू इंटू 90 डिग्री, दैट इज माइनस 180 डिग्री, प्लस टेन इनवर्स, ये माइनस कैसे आ रहा है, टेन इनवर्स ओमेगा मैंने प्लस पुट कर दिया क्या? यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना आप लोग, इट इज़ अ प्लस, ठीक है, अभी प्लस आएगा, करेक्शन कर लेना, एक छोटा सा करेक्शन है, अभी प्लस आएगा, जब मैंने माइनस लिखा है प्लस आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 180 प्लस टेन इनवर्स ओमेगा, आप यहाँ पर जो एंगल आपको आउटपुट करना है माइनस 180, तो माइनस 180 के इक्वेट कर दिया मैंने, माइनस 180 कैंसिल आउट हो गया, टेन इनवर्स ओमेगा इक्वल टू जीरो, और टेन इनवर्स ओमेगा इक्वल टू जीरो, आप टेन इनवर्स को आप ले जाओ राइट हैंड साइड, तो ओमेगा इक्वल टू टेन जीरो, तो टेन जीरो डिग्री कितना होता है, दैट इज जीरो, तो फिर ओमेगा पीसी कितना आ जाएगा, जीरो। इस तरीके से आप ओमेगा पीसी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट, इजी है। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है गेन मार्जिन, तो गेन मार्जिन का सिंपल फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड निकालो सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए टू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन आ गया, डिवाइडेड बाई, तो जी ओमेगा का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे निकालना है, ओमेगा पीसी पे, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, और रूट ऑफ वन की वैल्यू वन, तो टू इंटू वन डिवाइड बाई जीरो, तो टू डिवाइड बाई जीरो, तो टू डिवाइड बाई जीरो कितना हो गया, इन्फिनिटी, राइट। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, अब मैग्नीट्यूड की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे फॉर्मूला में, तो मैंने यहाँ पर गेन मार्जिन इन डीबी 20 लॉग ऑफ वन डिवाइड बाई मोड ऑफ एंगल जी, राइट। तो मोड ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिटी वैल्यू है, अगर ये इन्फिनिटी है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो 20 लॉग ऑफ जीरो। और आपको नहीं, आपको पता है, आपको पता है कि नहीं पता है, बता देता हूँ, लॉग जीरो की जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी, तो आपके जो गेन मार्जिन आ जाएगा इन डेसीबल दैट इज माइनस इन्फिनिटी, राइट, क्लियर है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आप ट्राई कर लेना, राइट, और किसी को डाउट आ जाए तो आप पूछ लेना। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास एक्चुअल में क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी टर्म दे रखी होती है, उस टर्म को अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो टर्म आप उससे के अवेयर नहीं हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलग से बता देता हूँ। उस टर्म को अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन लैग या फिर ट्रांसपोर्टेशन डिले। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन लेग और ट्रांसपोर्टेशन डिले का, कि जो मेरे पास जो भी ग्राफ है वो कुछ ना कुछ लेग करता है। अगर किसी ग्राफ में मैं, अगर आप इस तरीके से सपोज सपोज मेरे पास कोई यूनिट स्टेप फंक्शन है यूटी, अगर मैं यूटी को लिख दूं यू ऑफ टी माइनस टू, कुछ भी लिखता हूँ, टी माइनस टू लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होगा, वन डिवाइड बाई एस, तो ध्यान से समझना, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना होगा, ई टू द बेस में माइनस एस डिवाइड बाई एस, राइट, दैट इज सॉरी माइनस टू एस, यहाँ पर टू आया है, टू है तो टू एस आया, टू एस डिवाइडेड बाई एस, दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी जो यूटी फंक्शन है, यूटी टू, यूटी माइनस टू फंक्शन, यूटी माइनस टू का मतलब क्या है, यहाँ पर दो जो वैल्यू है टी इक्वल टू टू से यहाँ पर क्या है, डिले कर रहा है फंक्शन। सपोज मेरे पास ये ट्रांस, ये कोई यूनिट से फंक्शन है यूटी, तो यूटी माइनस टू कहाँ से आएगा, टी इक्वल टू टू पे जो वैल्यू है वो आपके पास जीरो हो रही है, राइट, टी इक्वल टू जीरो पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से, दैट इज यूटी माइनस टू। तो यहाँ पर जो डिले हो रहा है कितना हो रहा है, टी
दो जो वैल्यू है वहां तक टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टू तक यहाँ तक डिले हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिले या ट्रांसपोर्टेशन लैग। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर ई टू द पावर उसको मैं बोलता हूँ ई टू द पावर माइनस टी एस, राइट। अगर किसी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपको ई टू द पावर माइनस टी एस दिख जाए, यहाँ पर जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास था, यहाँ पर भी आपके पास सारी जो टर्म थी वो एलजेब्रिक टर्म थी, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं थी। तो ई की पावर माइनस टी एस अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो किस तरीके से आप मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फाइंड आउट करते हो, ये कॉन्सेप्ट जो है ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो अपन यहाँ पर यूज में ले रहे हैं, राइट। तो ई टू द पावर माइनस टी एस का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है और फेज निकालना है, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ। तो सपोज मेरे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ई टू द पावर माइनस टी एस, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है और फेज निकालना है। तो एस इक्वल टू जी ओमेगा यहाँ पुट कर दूँ, तो एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करोगे तो ई टू द पावर माइनस टी जी ओमेगा, तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आप जानते हो मैथमेटिक्स से। तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो टी ऑफ टी इंटू ओमेगा दैट इज थीटा, तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन का मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मैग्नीट्यूड निकालना है, ए प्लस आयोटा बी का आप मैग्नीट्यूड जानते हो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर कॉस ऑफ ओमेगा टी है दैट इज होल स्क्वायर, यहाँ पर बी यहाँ पर माइनस ऑफ साइन टी ओमेगा है, तो माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नथिंग बट वन, रूट इसका स्क्वायर रूट करोगे तो दैट इज वन। इसका मीनिंग ये है जब भी आपको ई टू पावर माइनस टी एस दी जाए तो इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है, वन होता है, चाहे टी की वैल्यू कुछ भी हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चाहे की पावर माइनस टू एस हो, की पावर माइनस फोर एस, की पावर माइनस टू टेन एस, की पावर माइनस हंड्रेड एस, कुछ भी वैल्यू हो तो उसका आप मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, वन लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, अब मुझे फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन का टेन इनवर्स बी डिवाइड बाई ए, और टेन इनवर्स बी यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ए क्या है, कोस ऑफ ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, तो साइन डिवाइड बाई कोस कितना हो गया, टेन हो गया, तो टेन आ गया यहाँ पर, तो टेन इनवर्स माइनस ऑफ टेन थीटा दैट इज माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस थीटा यहाँ पर क्या है, ये जो ओमेगा टी है दैट इज इन रेडियन, क्योंकि ओमेगा अपन किस में ज़ूम कर रहे हैं, रेडियन में ज़ूम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ओमेगा है वो अपन रेडियन में ज़ूम कर रहे हैं, तो माइनस ओमेगा इंटू टी होगा। अगर आपको डिग्री में फाइंड आउट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 डिवाइड बाई पाई। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको डिग्री में लेना है रेडियन में लेना है, जिससे भी आप लेना है उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर ई टू द पावर माइनस टी एस का आपको अगर फेज एंगल फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, माइनस ओमेगा इंटू टी इंटू 180 डिवाइड बाई पाई इन डिग्री और माइनस ओमेगा टी इंटू रेडियन, राइट। तो इस तरीके से आप ये दोनों जो आपके पास फेज एंगल और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आपको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जब भी ई टू पावर माइनस टी एस की टर्म दिखे तो उसका मैग्नीट्यूड वन कर दो, फेज एंगल माइनस ओमेगा टी कर दो। ठीक है, राइट। और अल्टीमेटली अपन क्या करते हैं, जो जो यहाँ पर आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से आप अगर फेज मार्जिन फाइंड आउट करते हो, राइट, तो फेज मार्जिन आप जब भी फाइंड आउट करते हो तो किस में फाइंड आउट करते हो, डिग्री में। किस में फाइंड आउट करते हो, फेज मार्जिन ऑलवेज डिग्री में। ठीक है, आप रेडियन में भी कर सकते हो, तो आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला, राइट। रेडियन में कर रहे हो तो ये करोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन डिग्री में यूज में लेते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज में लोगे, राइट। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है आगे, आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे आपको ओमेगा जी सी फाइंड आउट करना है, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने वो कॉन्सेप्ट यूज में लिया। अब उसका इसका आपको ओमेगा जी सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को आपको क्या कर देना है, मैग्नीट्यूड को आपको किसके इक्वेट कर देना है, वन के इक्वेट। किसके इक्वेट कर दोगे, वन के इक्वेट। सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो जो थ्री का जो मैग्नीट्यूड है वो तो थ्री रहेगा, ठीक है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ आपको, थ्री का जो मैग्नीट्यूड है वो थ्री रहेगा, और ई टू द पावर माइनस टू जे ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
माइनस टू एस एक तरह से क्या है, एस इंटू टी है, तो टी यहाँ पर, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है टू, इस तरह के समझो इसको कि जो जो ए टू द पावर, ए टू द पावर क्या था माइनस टी इंटू एस, राइट, मुझे यहाँ पर, यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो क्या है टू वैल्यू, तो टी की वैल्यू चाहे टी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो तो आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा वन आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कितनी जो वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा दैट इज वन, तो यहाँ पर थ्री इंटू वन राइट डिवाइडेड बाई जो ओमेगा मैग्नीट्यूड ओमेगा होगा और जो ओमेगा प्लस टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर दैट इज फोर, राइट, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैग्नीट्यूड आने के बाद में मैग्नीट्यूड को किसके इक्वेट करना है वन के इक्वेट कर देना, राइट, फेजिंग का मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैग्नीट्यूड देख लीजिए, फोर ओमेगा जी सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन दैट इज द कॉन्सेप्ट, मैंने इसको वन के इक्वेट कर दिया, तो थ्री इंटू ओमेगा जी सी, ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा जी सी क्योंकि इस पर मैग्नीट्यूड वन कर रहे हैं, रूट ऑफ ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस फोर, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है और ओमेगा जी सी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर मैंने जैसे स्क्वायर ले लिया बोथ ऑफ साइड, तो यहाँ पर थ्री का यहाँ पर स्क्वायर होगा नाइन ओमेगा जी सी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट यहाँ पर हट जाएगा, तो ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू वन का आप स्क्वायर करोगे तो वन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा जी सी स्क्वायर ओमेगा जी सी स्क्वायर ओमेगा जी सी पावर फोर प्लस फोर इंटू ओमेगा जी सी स्क्वायर इक्वल टू नाइन, और नाइन को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस नाइन, और यहाँ पर आपके पास फोर्थ पावर में इक्वेशन है तो ओमेगा स्क्वायर को आप वन एज्यूम कर लो, सॉरी एक्स एज्यूम कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सोल्व कर सकते हो बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, तो आपके जब पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.62, सेकेंड वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर तो इसको आप कैंसिल आउट कर देना, एक वैल्यू और आएगी x की 1.60 और एक आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट, क्या बोल रहे हो ओमेगा जी सी है ओमेगा पी सी नहीं है, कौन सा ओमेगा जी सी, ओमेगा जी सी तो है, आपको देखो फेज मार्जिन निकालना है तो फेज मार्जिन के लिए क्या फाइंड आउट करोगे ओमेगा जी सी, तो ओमेगा जी सी है, तो यहाँ पर मेरे पास ओमेगा जी सी आ गया 1.26 रेडियन पर सेकेंड, राइट, अब आपको क्या करना है फेज मार्जिन निकालना है, तो फेज मार्जिन के लिए 180 प्लस एंगल ऑफ जी एच एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी, तो इसका जो फेज एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका मुझे फेज एंगल निकालना है, अब फेज एंगल निकालने के लिए थ्री का फेज एंगल हो जीरो, इसका तो आपको देखना नहीं है, इट इज पार माइनस टू जे ओमेगा माइनस एस इंटू टी, इसका मैंने फेज एंगल आपको बताया था तो दोबारा बता देता हूँ, माइनस ओमेगा टी इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, राइट, दैट इज द फेज एंगल ऑफ इट इज पार माइनस एस टी, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, टी यहाँ पर क्या है टू, यहाँ पुट कर दो माइनस टी इंटू ओमेगा, टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है टू है, तो मैंने यहाँ टू पुट कर दी इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, ये वाला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, इसका फेज अल्टीमेटली क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर इट पर माइनस टू एस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में हो रहा है, या माइनस टू ओमेगा इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन का फेज एंगल होगा, राइट, तो मैंने पुट कर दिया माइनस टू ओमेगा इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, राइट, माइनस 90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई, ये मेरे पास फेज एंगल है, मैंने यहाँ पे देखो पुट कर दिया है माइनस टू ओमेगा इंटू 180 डिवाइड बाई पाई माइनस 90 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा जी सी डिवाइड बाई, ये डिनोमीटर वाला पार्ट आ जाएगा, अब यहाँ पर जो ओमेगा जी सी की वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर चुके हैं 1.26, तो जहाँ भी ओमेगा जी सी है वहाँ पे आप 1.26 पुट कर दीजिए, ठीक है 1.26 पुट कर दिया, तो माइनस टू इंटू 1.26 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, इसको आप सोल्व करोगे की वैल्यू आएगी 144.45, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, माइनस 90 माइनस 10 इनवर्स 1.26 डिवाइड बाई टू इट इज 0.63, तो 0.63 का आप 10 इनवर्स निकालोगे तो 32.21 आएगा, और इसको आप ये सारा डिग्री में, राइट, क्योंकि आप डिग्री में कैलकुलेट कर रहे होते हैं डिग्री में आएगा, राइट, और 180 प्लस इसको आप पूरा एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो फेज मार्जिन आएगा दैट इज द माइनस 86.6 डिग्री, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज सेम बट यहाँ पर एक अलग से कॉन्सेप्ट क्या यूज में हो रहा है दैट इज द इट्स पार माइनस टी एस का एक्सपोनेंशियल टर्म का, और एक्सपोनेंशियल टर्म का जो मैग्नीट्यूड और फेज एंगल है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो तो उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अल्टीनेस आपको ये फॉर्मूला पता हो
और आपको इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 पता हो, वो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन लेक का जो भी क्वेश्चन है वो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर करेक्शन कर लेने, यहाँ पर 180 डिवाइड बाई पाई ये मैंने लिखा नहीं है, 180 डिवाइड बाई पाई, तो इसमें यहाँ पर करेक्शन कर लेना आपको। यहाँ तक किसी को डाउट? आगे मल्टीप्लाई 3 नहीं आएगा क्या फेज एंगल में? फेज एंगल आपको पता है ना, अब देखो देखो फेज एंगल आप फाइंड करते हो, फेज एंगल मुझे फाइंड आउट करना है राइट, तो 3 और इट इज माइनस 2 लिए हुए था, यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है तो आपको फेज एंगल क्या करना है, प्लस करना है, तो 3 का जो फेज एंगल हो क्या होगा, 10 इनवर्स b डिवाइड बाई a, तो b कितना है यहाँ पर 0 है, इमेजिनरी टर्म्स डिवाइड बाई 3, तो आपकी प्लस ये पूरी टर्म्स माइनस 2 ओमेगा, ये तो आप पहले से पता है माइनस 2 ओमेगा इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, 180 डिवाइड बाई पाई, तो यहाँ पर जो आपके पास जो फेज एंगल है 10 वर्स 0 डिवाइड बाई 3, तो 10 वर्स 0 कितना होगा 0, तो इसलिए इसका जो थ्री का जो फेज एंगल है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मैं अभी लिखता नहीं हूँ, कॉन्स्टेंट का जो फेज एंगल वो 0 डिग्री है, क्या वो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो इसलिए मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्लास मेरी नहीं, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है?